जिनेन्द्र खेचरा गया पूजनीय विधि क्रमात पुष्पैर विलेपनैर धूपैर नैवेद्यैः तुष्टि हेत्वे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष जी को। डॉक्टर आशुतोष मतलब, ये कहने में मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, डॉक्टर आशुतोष जी मतलब संस्कृत का प्रचार प्रसार। संस्कृत का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, शायद जितना कुछ इन्होंने फैलाया है समाज में, सभ्य समाज में, शिक्षित लोगों को और भी अधिक शिक्षित करने में, उस पर एक बुक ही नहीं पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। और जैसे कि कहते हैं हम सिर्फ नाम ही काफी है, तो डॉक्टर आशुतोष संगीरस जी आपका स्वागत है, आप अपने वक्तव्य से हमें प्लीज लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अनुभा जी, सेमिनार में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कौशल जी, डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल जी जो कि डायरेक्टर हैं संस्कृत अकादमी पंचकूला के, और साथ में डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी जो डायरेक्टर हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट यमुनानगर के, और माननीय प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर हरविंदर कौर जी, और जितने भी स्टूडेंट्स छात्र बैठे हैं उन सभी को मैं आज के कुछ विषयों से परिचित कराना चाहूँगा, इसके कुछ आयामों से परिचित कराना चाहूँगा लगभग अगले आधे घंटे में। तो और औपचारिकताओं में ना जाते हुए सीधे हम विषय की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज का जो अपना वक्तव्य है ये इसको समर्पण करना चाहता हूँ जो आप लोगों के आधार हैं आपके इंस्टीट्यूट के पंडित संत श्री निश्चल दास जी महाराज, उनको मैं ये अपना वक्तव्य सादर समर्पित करता हूँ। और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए जो दो शब्द हैं, मेरी इस बात को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा कि उनके साथ जुड़े हुए जो दो शब्द हैं पंडित और संत, ये जिस इंस्टीट्यूट के पास हूँ मुझे लगता है कि उस इंस्टीट्यूट को किसी नैक की, किसी और किसी तरह के एवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित में सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान सब प्रकार का आ जाता है, और संत में सारी जो निश्चलता है वो सब का सब उसमें समाहित हो जाता है। तो किसी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, टीचर्स में और स्टूडेंट्स में अगर ये पांडित्य और ये सरलता अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि उसको किसी और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और ये बात दूसरी, दूसरा इसका पक्ष ये है कि ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पंडित संत निश्चल दास जी कि आप उनको अगर उनके दर्शन और उनके मूल्यों और उनके व्यवहार को देखें तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आप लोगों की जिस तरह की कंडीशनिंग की जा रही है एजुकेशन सिस्टम में, जो कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली से प्रभावित है, दूसरी ओर इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड से प्रभावित है, तीसरी ओर आपकी पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है, और चौथी ओर जो आपकी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट है वो आपको परिभाषित करता है। तो इन सब के बीच में जब आप पंडित संत निश्चल दास जी जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उनकी सरलता को, उनके व्यवहार को, उनके दर्शन और मूल्यों को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप इन चारों कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्री, पार्लियामेंट और जुडिशरी से कहीं अलग एक पांचवा आयाम जो है वो आप स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको प्रणाम पूर्वक अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मेरा जो विषय है वो बिल्कुल नितांत स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसे टीचर्स के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है जिनकी रुचि संस्कृत को दो भागों में विभाजित करने की है। वो दो भाग कौन से हैं? एक भाग है जहां पर हम संस्कृत को थ्योरी के रूप में पढ़ाएं और दूसरा भाग है कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म दें। होना यही चाहिए था जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो हमें सर्वे करके और उसके बाद हमें नए सिरे से सिलेबसेस को बनाना चाहिए था और थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटना चाहिए था, लेकिन वैसा हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी रुचि थी उस तरह के करने में। तो इसलिए जैसे सिलेबस पहले चले आ रहे थे हर विषय में, ये कुछ संस्कृत की बात नहीं है,
सभी विषयों में ऐसी ही हमने एक जो है एक स्वीपिंग सा काम करके और हमने अपना पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन वस्तुतः अगर आप अपने आदर्शों को और अपने दर्शन को समझते हैं तो आप सर्वे करें, हर सब्जेक्ट में सर्वे करें, सर्वे के आधार पर सिलेबस बनाएं, सिलेबस को फिर आगे फर्दर उस हिसाब से डिवाइड करें। तो इसीलिए इसको मैं कहता हूं संस्कृत की पुनः संरचना योजना, और इसी के अंतर्गत आज का जो हम विषय ले रहे हैं 21वीं शताब्दी में संस्कृत नाट्यशास्त्री सिद्धांतों की अनुप्रयुक्तता, उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो लगभग अगले 25-26-27 मिनटों में मैं आपके साथ वो बात करने जा रहा हूँ और अपना जो वक्तव्य है वो मैं दो भागों में आपके साथ साझा करूंगा। पहले भाग में मैं आप लोगों के साथ ये साझा करूंगा कि इस सारे की पृष्ठभूमि क्या है और इसका हमारे पास सामग्री क्या उपलब्ध है, और इसको आपने एक हथियार की तरह, एक स्वोर्ड की तरह और एक ढाल की तरह, शील्ड की तरह कैसे इस्तेमाल करना है यदि सचमुच आप संस्कृत के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सीधे सीधे हम इस विषय पर आते हैं। मैंने अपना इसमें विषय और सूक्ष्म कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया है और सरल कर दिया है, बिल्कुल अत्यंत सरल कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और थ्योरी को भी आप समझ पाएंगे, और मुझे लगता है इसी तरह से हमें पढ़ाना भी चाहिए अपने सब्जेक्ट को। तो इस सारे विषय के अंतर्गत जो मैंने अपना विषय लिया है वो विषय लिया है संस्कृत नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों की विज्ञापन कला पर अनुप्रयुक्तता। मैंने इस सारे को अप्लाई करने की कोशिश की है कि जिसको आप एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उसमें से भी पर्टिकुलरली टीवी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनके ऊपर हम क्या संस्कृत नाट्य शास्त्रों को लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो क्या और कैसे, जल्दी से इस सारे विषय के ऊपर आपसे चर्चा करता हूँ। तो पहले भाग में आप सभी जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो है स्किल ओरिएंटेड 21वीं शताब्दी है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, इनके ऊपर हमारी सारी एजुकेशन का जोर होना चाहिए। और मेरे सभी स्टूडेंट्स और छात्रों से निवेदन ये रहेगा कि मेरी बात को सुने और स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान फोकस रखें और साथ में आलोचनात्मक रूप से विचार भी करें, कोशिश करें कि आप मेरी किसी बात से सहमत ना हो, प्रयास करें। तो 21वीं शताब्दी में जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, आपको सृजनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद देखना पड़ेगा और उसको मैं उसमें केवल मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, बाकी आप पढ़ते जाइए। और आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए, लर्निंग टू लर्न एंड मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होता है कि अपने विचारों को जानना और समझना कि विचार करने की प्रक्रिया क्या होती है और जिस विचार की वैचारिकता को हम कैसे समझें, इसको मोटे रूप में आप ऐसे समझ लीजिए। उसके अतिरिक्त आपको जो सीखना है कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन और जो कोलैबोरेशंस हैं, एकेडमिक कोलैबोरेशंस हैं, उनको आपको जानना और समझना है। उसके अलावा आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी लिटरेसी आपको पता हो, और उसके साथ आपको एक क्वालिफाइड सिटीजन, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी शायद ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, लेकिन क्वालिफाइड सिटीजन जो है उसको भी आपने अपने स्किल्स में इंक्लूड करना है। उसके अलावा लाइफ एंड कैरियर स्किल्स आपको आने चाहिए, और उसके अतिरिक्त जो आपके पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाने का भी आप में एक क्षमता होनी चाहिए। ये तो है 21वीं शताब्दी। अब जब मैं इस 21वीं शताब्दी को नाट्य शास्त्र में ट्रांसलेट करने लगता हूँ तो बड़े आसानी से मैं ये देख पाता हूँ, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं वो श्लोक क्या कह रहा है, सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम। तो नाट्य शास्त्र में वो ये कहते हैं कि सब प्रकार के शास्त्र, सब प्रकार के ज्ञानों से ये संपन्न है नाट्य शास्त्र, और हर प्रकार का स्किल भी इसमें है। शिल्प का मतलब क्या है, स्किल। तो ऐसा जो है नाट्य वेद जो है वो पंचम वेद कहलाता है। तो वेद का अर्थ भी यहाँ केवल ये मत समझिए कि ये कोई एक केवल मैनुअल है, वेद का मतलब है जानना। तो ये जो सेमिनार और वेबिनार हम करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो केवल इस दृष्टि से है कि हम जाने, केवल माने नहीं। आप क्या मानते हैं उससे मेरी कोई ज्यादा मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हाँ आप जानना क्या चाहते हैं यही मेरा जो है वो लक्ष्य है। और दूसरी बात, आप इसी स्क्रीन के नीचे जब आप ये दूसरा श्लोक देखते हैं, कारिका देखते हैं, क्या न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला,
नासो योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। तो इस नाट्य शास्त्र को अगर आप पढ़ते हैं, कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी स्किल, ऐसी विद्या, ऐसे आर्ट, कोई ऐसा योग, योग का मतलब यहाँ केवल वो मत समझेगा एक्सरसाइज, योग का मतलब है जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, तो वो योग है जो कि इस नाट्य शास्त्र में उपलब्ध ना हो। तो ये जो नौ इधर आप 21वीं शताब्दी के मुख्य बिंदु देख पा रहे हैं वो सारे के सारे इस नाट्य शास्त्र में उपलब्ध हैं। कैसे, वो मैं आपके साथ थोड़ी जल्दी साझा करता हूं। एक सेकंड, ये जी चलिए, अब ये जो मैं आपके साथ नाट्य शास्त्र की बात करने जा रहा हूं, इसका संदर्भ एक और भी आप देख लीजिए कि आपके साथ इसकी प्रासंगिकता क्या है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें IKS के ऊपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बहुत बल दिया गया है, और वो आपकी NEP 2020 कहती क्या है आपसे, वो आपसे ये कह रही है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट विल गाइड बोथ एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन इट आर ए रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। इसलिए नाट्यशास्त्र आप पढ़ें, एंड इट्स रिच डाइवर्स एंशियंट एंड मॉडर्न कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये NEP में कहा गया है, तो उसको फॉलो करते हुए हम इस नाट्यशास्त्र को समझने का प्रयास करें। और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही है अपने NEP के इंट्रोडक्शन में पेज 4 के ऊपर, इंस्टिलिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट्स वेरिड सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल नीड्स, इट्स इनइमिटेबल आर्टिस्टिक लैंग्वेज एंड knowledge traditions and its strong ethics in India's young people is considered critical for purposes of national pride, self-confidence, self-knowledge, cooperation and integration. तो इसलिए हमें नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात जो आपसे मैं प्रश्न भी रख देता हूँ कि जब हम इस सारी बातों को जानना चाह रहे हैं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत हम इस नाट्यशास्त्र को कहाँ स्थान देते हैं और इसके विषय में हमारी क्या जानकारी है, क्या हम इसके विषय में समझते हैं, उस सारे विषयों पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत शास्त्रों को मैं कैसे देखता हूँ, कैसे स्थापित करना चाहता हूँ और कैसे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें करना चाहिए था जो ना कुरुक्षेत्र ने किया ना किसी हरियाणा की किसी अन्य यूनिवर्सिटी ने किया। हमें चाहिए था कि केंद्र में हम संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान को रखते, उसका सोशियोलॉजी के साथ संबंध, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, वुमेन स्टडीज, कोई भी सोशल साइंसेस और प्लस जितनी भी साइंसेस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इसके संबंध को हमें देखना चाहिए था, स्थापित करना चाहिए था और अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को वो सिखाना चाहिए था, लेकिन वैसा हमने किसी भी सिलेबस में नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर हम वो थोड़ा सा प्रयास करके देखेंगे। अब इस जो अप्लाइड संस्कृत नाट्य शास्त्रीय प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ करके क्या होगा, उनको जान करके क्या होगा, बहुत ब्रीफली आप इस बात को देखें। जब आप नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को जानते हैं अच्छे से, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा कि आपको बॉन्डेज टू फ्रीडम की ओर अग्रसर करेगा, बंधन से मुक्ति। बंधन काहे का है, कंडीशनिंग का, कि जितनी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जितना मीडिया का एक्सपोजर हो रहा है, उसने आपको एक खास तरीके से कंडीशन कर दिया है, तो उससे वो आपको मुक्त होना सिखाएगा। और दूसरा वो क्या करेगा, आप एक्स एक्सिस पे नीचे देखिए, व्हाट टू डू विद द फ्रीडम, आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग क्या करेंगे, ये भी आपको नाट्यशास्त्र सिखाएगा। और केवल यही नहीं, इसके साथ वो कंपल्सिव चॉइसेस से आपको मुक्त करके कॉन्शियस चॉइस, सचेत चुनाव करने के लिए अग्रसर करता है। फिर नाट्यशास्त्र आपको ये भी सिखाएगा कि जो एक नेचुरल चेंजेस आते हैं जीवन में, उसके अतिरिक्त वो डायरेक्टेड चेंजेस कैसे लाने हैं, जैसे डायरेक्टर हर पात्रों को अपने अनुसार निर्देशित करता है, तो वो आप सीखेंगे। और इसके अतिरिक्त केवल आपको वो गुड और स्मार्ट लोग ही नहीं बनाएगा, उसके साथ वो सेंसिबल ह्यूमन बीइंग के लिए भी आपको जो है अग्रसर होने के लिए प्रेरित करेगा। और सबसे बड़ी बात जो जीवन में हमें सीखनी है कि हमें कितना चाहिए, ना अधिकम एतावन मात्रम, कि इससे अधिक हमारी अपेक्षा नहीं है और केवल इतने मात्र से हमारा कार्य चल जाएगा। यदि हम ये बातें सीख लेंगे तो हम समाज में क्या है, एक सह अस्तित्व की भावना को प्रचलित कर पाएंगे और उससे क्या होगा, कल्याण और मंगल हो पाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य है कि इससे ये लाभ होगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जब आप नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो आपको इसको एक
वेपन की तरह यूज करना आना चाहिए और शील्ड की तरह इसको यूज करना आना चाहिए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको ये शब्दावली पता हो कि कौन कौन से आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं। आपके पास 9 रस, 33 संचारी भाव, स्थाई भाव, विभाव, ये सारी शब्दावली आप देख सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। रंगमंच, रूपक, जिसके एक नाटक एक भेद है, अभिनय, वस्तु आदि आदि, ये सारी चीजें हैं। तो क्योंकि नाट्य शास्त्र कि इन शब्दावली के आधार पर हमें क्या करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, जिसकी मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। और वो केवल स्ट्रेटजी ही नहीं बनानी ऑन पेपर ना रहे, वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए, यानी कि पोटेंट हो, वो प्रभावी भी हो। तो तभी हम इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, शब्दावली है, इसको हम प्रयोग कर पाएंगे और प्रभावी बना पाएंगे। तो देखते हैं कि हम कैसी स्ट्रेटजी इस आधार पर बना सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व इस बात को हम सभी समझें कि इस सारे नाट्य शास्त्र को केवल आप एक सामान्य अर्थ में नाटक मत समझ लीजिए। ये आपको एक ऐसा दर्शन देता है, ऐसी दृष्टि देता है जो विश्वव्यापक है। कैसे है वो विश्वव्यापक, आप ये श्लोक को देखिए, और ये मेरा सबसे अद्भुत और प्रिय श्लोक है। और अगर आपने कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कभी विजिट किया हो, नहीं किया तो जरूर करें, और ये आपके सब्जेक्ट का हिस्सा भी होना चाहिए विजिट करने का। वहां पर जब ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ये उनकी प्रार्थना है, ये उनके सब्जेक्ट जब आरंभ किया जाता है तो ये श्लोक जो है वहां पर जो है उनको सिखाया जाता है, ये गाते हैं वो सामूहिक रूप से। और क्या है, कितना सुंदर श्लोक है और कितना व्यापक है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वम वाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादितु तम नुमः सात्विकम शिवम। क्या मतलब है कि वी बो टू दैट लॉर्ड शिवा हुज बॉडी इज द होल यूनिवर्स, हुज स्पीच इज द एंटायर वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस एंड हुज ऑर्नामेंट्स आर द मून स्टार्स ईटीसी। तो एक पूरा व्यापकता आप उस नाट्य शास्त्र की देखें कि वो कितना आपको देता है। चलिए अब इस थोड़े विषय को तेजी से आगे बढ़ाता हूं मैं आपके साथ। देखिए दो शब्दों को और ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर टिके रहिएगा। सभी छात्रों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, देखिए वाई एक्सिस पे आप ये एक शब्द देख रहे हैं नांदी, और एक्स एक्सिस पे आप एक शब्द देख रहे हैं भरत वाक्य। ये सारा का सारा नाट्य शास्त्र के आधार पे जब आप प्रयोग करने लगते हैं तो नांदी और भरत वाक्य के बीच में समाहित हो जाता है। नांदी क्या होता है कि जो नाटक है उसके आरंभ का जो पहला श्लोक होता है जिसमें स्तुति आदि की जाती है वो नांदी कहलाता है। लेकिन वो नांदी केवल स्तुति नहीं है, वो केवल एक दर्शन है, पूरा दर्शन होता है कि मेरा किस आधार पे खड़े होकर के मैं इस सारे नाटक को क्रिएट करूंगा, इस पूरी व्यवस्था को, इस प्रयोगात्मकता को आपके साथ शेयर करूंगा। और भरत वाक्य क्या होता है कि इस सारे प्रयोग को करके मैं करना क्या चाहता हूँ समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और सारे लोग के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी कि शांति और सोशल वेलबींग, जिसे आप सामाजिक कल्याण कहते हैं, वो भरत वाक्य से निश्चित होता है। तो नांदी और भरत वाक्य के बीच में मैं सारी की सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, आपसे अपेक्षित है। उसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, नाट्य योग। ये सामान्य रूप से आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नाट्य योग बहुत सुंदर और संवेदनशील शब्द है। उस नाट्य योग के योग्य बनने के लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए प्रतिभा, अपने में प्रतिभा का विकास करें। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपके साथ साझा करूंगा। दूसरा, आपके पास लोक का अनुभव होना चाहिए कि सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस आप ग्रहण करने में सक्षम हो, और फिर जो कुछ आप ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका पुनः पुनः अभ्यास आपको करना आना चाहिए, कि जैसे मैं शब्दावली मैंने आपके साथ साझी की, उस शब्दावली का पुनः पुनः प्रयोग करना आपको आना चाहिए, और जो आपके अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को उस शब्दावली में ट्रांसलेट करने का आप में प्रतिभा होनी चाहिए। और ये प्रतिभा दो तरह की होती है, कार्यत्री और भावयत्री, जिस पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब दूसरी ओर अगर आप आ जाएं तो यहां पर आप देखते हैं कि इसी नांदी और भरत वाक्य के बीच में आप जो विज्ञापनों का नाट्य योग है वो क्या है, वो उसके तीन पक्ष हैं, वस्तु जिसे आप कथा वस्तु कहते हैं, स्टोरी लाइन जिसे आप कहते हैं, जिसमें घटना, भाषा, वेशभूषा को आप इंक्लूड कर लीजिए। दूसरी ओर उसमें नेता, जो पात्र आप कहते हैं, अभिनय आदि, वो सारे आ जाते हैं। और तीसरा उसका किसी भी एडवर्टाइजमेंट का पक्ष होता है, रस, उसमें जिसमें भाव विभाव आदि आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में आगे हम चलते हैं कि इसके इस नांदी और भरत वाक्य के बीच में अगर मैं किसी समाज की परिकल्पना करता हूं तो उसका कैसे मैं मूल्यांकन करूं, या वो कैसा समाज होगा,
ये भी मैं स्पष्ट करके चलना चाहता हूँ, केवल हवा में बात नहीं कर रहा आपसे। तो संस्कृत नाट्य शास्त्र के अगर आप 107 से 117 तक के कारिकाओं को अगर आप पढ़ेंगे प्रथम उसमें, तो आपको ये सारे के सारे तत्व तो वहां मिलेंगे। तो संस्कृत नाट्य शास्त्र के उन उनके सार को अगर मैं आपके साथ साझा करूं, तो वो सार क्या कहता है कि किसी भी राष्ट्र या समाज में भौतिक विकास का मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों के साथ एकीकरण होना चाहिए, और तथा वह विकास इस पृथ्वी के साथ सद्भाव में हो, यानी कि हम पृथ्वी के साथ हिंसा ना करें। सोसाइटी में क्या हो, एक साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, कल्चरल वेलबींग हो, और फिर स्पिरिचुअल वेलबींग भी हो। तो कुल मिलाकर के ये नाट्य शास्त्र आपके सामने रखता है, लेकिन वो कैसे हो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। ये हालांकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है और समय बहुत आगे जा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो केवल मैं आपको ये गिना रहा हूँ कि नाट्य शास्त्र के आधार पर किसी भी समाज का, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप मूल्यांकन करते हैं, आप अपने भी इंस्टीट्यूट का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो सबसे पहले है मन स्वास्थ्य, यानी कि जिसे आप साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं। उसके बाद आपका हेल्थ के इश्यूज आते हैं, आपका यूज ऑफ टाइम, की कोई भी सोसाइटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी राष्ट्र अपना समय कैसे व्यतीत करता है। फिर उसके बाद शिक्षा विद्या आपकी आती है। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कितना करते हैं, उसका लेवल क्या है। उसके बाद वहां का पर्यावरण क्या है, गुड गवर्नेंस, सुशासन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जीवन स्तर क्या है, ये आपको कौन बताता है, नाट्य शास्त्र बताता है, और ये उसको सिद्ध करता है। मैं बाकी चीजें छोड़ रहा हूँ क्योंकि घड़ी पे मेरा ध्यान है, इसलिए मैं केवल यहाँ पे रोक रहा हूँ। हालांकि ये मूल्यांकन करने की पद्धति है 1 to 16 के स्केल पे। सोशल साइंस के लोग जो है वो 1 to 5, 1 to 3 या 1 to 7 या 1 to 10 के स्केल पे करते हैं, लेकिन हम लोग संस्कृत में जो है 1 to 16 के स्केल पे जो है किसी भी चीज को इवेल्युएट करते हैं। उसका एक कारण है और उसका पूरा एक लॉजिक है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। अब इसके बाद जब आपको मैंने इतनी सारी बातें बता दी, तो आपको अपना मूल्यांकन भी करना आना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे में वो योग्यता ना हो तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो लाभ नहीं हम ले पाएंगे। तो आप में से हर व्यक्ति जो है उसके 3 आयाम है, 3-dimensional है। क्या? एक तो आप भोक्ता है, एक और आप ज्ञाता है, नोअर है, इंजॉयर, भोक्ता को आप इंजॉयर कहते हैं, और करता है, डूअर है। तो इस 3-dimensional फॉर्म में आपको अपने सबसे पहले भाषा का मूल्यांकन करना आना चाहिए कि आपके भाषा का मूल्यांकन के स्तर पर आप कहां पर खड़े हैं, यानी कि 1 to 16 के स्केल पर आपकी लैंग्वेज का लेवल क्या है। ये हर टीचर के लिए भी है, हर स्टूडेंट के लिए भी है, हर आम व्यक्ति के लिए भी है कि वो भाषा की संवेदनशीलता को, उसकी सूक्ष्मता से 1 से 16 के स्केल पे कितना परिचित है। आप अपने को मार्क दे सकते हैं, जैसे मैंने ये डॉट लगा रखा है। इसी तरह आप अपने कर्मों में 1 to 16 के स्केल पे कहाँ खड़े हैं। आपको जो फ्रीडम मिली हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से मिली है, चाहे इकोनॉमी से मिली है, या और अन्य ज्ञान से मिली है, उसमें आप 1 to 16 के स्केल पे अपनी फ्रीडम को कहाँ यूज करते हैं, कितना करते हैं। उसके बाद आप अपने धर्म, अपनी ड्यूटीज को कहाँ करते हैं। अपने रिलेशनशिप में 1 to 16 के स्केल पे आप अपने को मूल्यांकित करें, अपने थॉट को अपने 1 to 16 के स्केल पे मूल्यांकित करें, और उसी तरह अपने इमोशंस को, अपने नॉलेज को भी मूल्यांकित करें। और जब आप मूल्यांकित कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना जानना है और कितना समझना है, कितना आप जानते हैं और कितना आपको अधिक जानना है। और इसके आधार पर आपका टीचर आपको ये गाइड करेगा कि आप में से एक्स एक्सिस पे देखिए कि कौन से दोषों को आप में से परिमार्जन करना है, निकालना है, और कौन से गुणों को आप में स्थापित करना है, और साथ ही साथ किस विषय में आपकी रुचि बनानी है और किस विषयों से आपकी रुचि को निकालना है। ये आपका टीचर, आपका काउंसलर जो है वो डिसाइड करेगा, तभी आप इस नाट्य शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी होंगे। चलिए अब पार्ट 2 के ऊपर आते हैं, जो डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल फॉर्म है। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं कि कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स के जो हैं वो मैंने कोलाज एक तरह का आपके सामने रखा है, और बीच में मैंने संस्कृत की एक कारिका रखी है, 6वें अध्याय की जो 17वीं कारिका है, रतिर हासश चक्रु शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम् तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तितः। 9वां इसमें आप शांति भी मिला सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो मैंने 8 भाव यहाँ पे गिनाए हैं, या 9 भी गिना रहा हूँ शांति मिलाकर के, तो आप
इन सभी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से ध्यान दीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं अपना सामान बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब इसका संस्कृत के आधार पर आपने मूल्यांकन करना सीखना है। तो जब आपके पास ये वाली कारिका है, अब आप देखिए कि आपकी मैगी की इसमें, अमूल में, चॉकलेट में, थम्स अप में, जॉनसन में, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट देख पा रहे हैं आप देखेंगे कि इन सभी एडवर्टाइजमेंट्स में ये सारे के सारे भाव आपको दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे वो मैं अभी आपके आगे चल करके विस्तार पूर्वक बताता हूँ, लगभग अगले 10-15 मिनट लूंगा। अब ये करने का तरीका क्या है, करना भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन करने का तरीका क्या है, करने के तरीके को आप यूं समझिए कि इस विज्ञापन के लिए नाट्यशास्त्र सिद्धांतों का उपयोग क्या है। सबसे पहले जब आप नाट्यशास्त्र के आधार पे इन एडवर्टाइजमेंट्स को बनाने लगेंगे, और मैं चाहता हूं कि संस्कृत के स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट बनाएं, जितने विषय चाहिए होंगे मैं दूंगा, कैसे बनानी है वो भी मैं उनकी सहायता करने को तैयार हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो उससे क्या लाभ होने वाला है, कैसे बनाएंगे, उससे होगा क्या, सबसे पहले भावनात्मक संबंध। तो नाट्यशास्त्र आपको ये कहता है दर्शकों के साथ आपने क्या करना है, एक भावनात्मक संबंध बनाना है। फिर आप में ये गुण आएगा कि नाट्यशास्त्र के आधार पर जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो आपको कथा सुनानी आएगी कि कहानी मैंने कैसे सुनानी है, लोगों तक कैसे पहुंचानी है, आपको उसमें जो चरित्र हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है, ये भी आप नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर विकसित करेंगे। आपको मूड और वातावरण बनाना आएगा, आपको उसमें दृश्य और प्रदर्शन कला आप अपने मोबाइल से बनाइए। मेरा निवेदन रहेगा मैडम अनुभा से, मैडम अमिता से, कि अपने स्टूडेंट्स को वो ये टास्क दें, अपने असाइनमेंट दें कि भाई अपने मोबाइल के को लेकर के संस्कृत को आधार बना करके आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाइए, लेकिन नाट्यशास्त्र के आधार पर बनाइए। और इसी तरह से फिर जब आप उस बनाना शुरू करेंगे तो आपको ऑडियंस एंगेजमेंट पता लगेगी कि ऑडियंस को अपने साथ बांधना कैसे है। जैसे मैंने ये सारी जो है स्लाइड्स बनाई है ताकि मैं ऑडियंस को बांध सकूं, इंगेज कर सकूं। उसके अतिरिक्त ब्रांड पहचान, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु को आप कैसे पहचान दिलाएंगे, सांस्कृतिक प्रासंगिकता का ध्यान रखेंगे कि भाई जब आप दिवाली आ रही है तो किस तरह से आप मिठाई को जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह से ज्वेलरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई स्मरणीय संदेश देते हैं जो आपके उसके ऊपर रहता है, जुबान पे रहता है ना, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके अलावा जो क्रॉस कल्चरल जो अपील है वो बड़ी जरूरी है कि केवल वो केवल कुछ एक लिमिटेड लोगों तक ना रह जाए, वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे आपकी एडवर्टाइजमेंट। तो नाट्यशास्त्र इन सभी चीजों में आपकी सहायता करता है और आपको बताता है कि किस तरह से इस बात को आपने करना है। अब इस सारे चीज को आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, बाहुबली आप सबने देखा है, कटप्पा ने क्यों मारा था, है ना। तो अब उसी के आधार पर अगर आप देखें कि कैसे आपने प्रयोग करना, कौन से तत्वों का प्रयोग करना है, आपको रस सिद्धांत का प्रयोग करना है, क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो दर्शकों से जुड़ने के लिए खुशी आश्चर्य जैसी भावनाओं को जगा सकते हैं। तो इसलिए नाट्यशास्त्र की रस भावना का आपने प्रयोग करना सीखना है। फिर उसमें भावों को, मूड को आपने देखना है ताकि लोग उसको रिस्पॉन्ड करें। उसमें अभिनय अभिव्यक्ति जो है उसको आपने देखना है। फिर उसमें एक शैली आपको विकसित करनी होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी शैली होती है, क्योंकि आप कैमरा किस एंगल से रखेंगे, कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, कैसे विजुलाइज करेंगे इस सारी विषय को। प्रकृति शब्द का आप जो अवधारणा है उसका आप इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगी एडवर्टाइजमेंट आपकी संस्कृत की दृष्टि से बनाई हुई, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। फिर उसमें ध्वनि, यहाँ पे मैंने ध्वनि को केवल सुझाव के लिए रख लिया है, उसको मैंने अभी विस्तार जिस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें नहीं मैं लेके जा रहा। अविध जो है वो कंट्रास्ट आप कैसे शो करेंगे, सजीवता जिसे जीवंतता कहते हैं, अलाइव होना चाहिए ताकि वो सीधा सीधा हमारे साथ जुड़ सके। फिर उसमें स्थायित्व होना चाहिए कि भाई वो ऐसा आपको संदेश दे कि आप उस ब्रांड को बड़ी देर तक खरीदती रहे ऑडियंस जो है। और फिर उसमें म्यूजिक का जो एक पुट है वो आपके लिए बड़ा जरूरी है जानना। तो नाट्यशास्त्र आपको 10 तत्व बताता है कि आप जब एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसमें आप
उसी बात को मैं थोड़ा सा दोबारा कह रहा हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं अमेजिंग इंडिया की, है ना। आप देखें कि कितनी सजेस्टिव है, कितना कुछ उसने कोलाज बनाया है, अमेजिंग शब्द को प्रयोग करके उसने क्या कुछ आपके सामने जो है वो ध्वनि की दृष्टि से उसमें कितना कुछ अर्थ दे दिया है। तो नाट्यशास्त्र के जो मुख्य सिद्धांत है जिनके आधार पर आप विज्ञापन निर्माण करेंगे ध्वनि कि सबसे पहले आपका स्पष्ट अर्थ शब्दों से के जो अर्थ हैं उनसे जो अतिरिक्त अर्थ जगाते हो ऑडियंस में वो ध्वनि है। और इसी तरह रस, भाव, वाक्य, क्रिया, अनुभव, ये सारे मैं गिना रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है। समय ज्यादा रहता तो फिर मैं इसको बड़े विस्तार पूर्वक और आप लोगों के साथ काम करते हूँ ऑन ग्राउंड, पूरी एक दिन की ये वर्कशॉप हो सकती है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए सीखते और सिखाते। फिर इसमें आप अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और प्रतिभा, व्यंजना है सजेस्टिव मीनिंग, ठीक है ना, और प्रतिभा जैसे कि मैं बात कर आया हूँ कि कार्यत्री और भावयत्री दो प्रकार की कल्पना प्रतिभा है। और फिर आप उसमें उद्दीपन कि लोगों को कैसे अराउज करना है, उनकी रुचियों को खींचना है, और साधारणीकरण जो है कि वे सभी के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो सभी के लिए होगा। तो इस तरह से नाट्यशास्त्र पर आधारित ये सिद्धांत प्रभावी और आकर्षक विज्ञापन बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो निर्भर मेरे पे करेगा कि मैंने इन सिद्धांतों का प्रयोग करना सीखा या नहीं किया। अब कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं और धीरे धीरे इनका मैं विस्तार करके आपको बताऊंगा। ये आप अपनी नाट्यशास्त्र के इन एडवर्टाइजमेंट की ओर ध्यान दीजिए, विज्ञापन की ओर ध्यान दीजिए और साथ में देखिए कि इसमें कोका कोला वाली आप एडवर्टाइजमेंट को देखिए। और कोका कोला वाली एडवर्टाइजमेंट में जब आप देखते हैं तो उसमें शेयर ए कोक, ये उनका टैगलाइन होती है। तो उसमें क्या है कि अपनी बोतलों को निजीकृत करके साझा करने के को प्रोत्साहित करके खुशी और गर्म जोशी का भाव पैदा करना। तो रस भावना आपको पता हो तो यदि आप रस को जानते हैं, इस भावना को कैसे उत्पन्न करना है, तो आप एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट डेवलप कर सकते हैं। अगर डेवलप नहीं करना चाहते तो आप इनका क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं जैसा कि मैं आपको सिखाऊंगा अभी। उसके बाद जैसे एप्पल की एडवर्टाइजमेंट है आईफोन, वो किस तरह से शॉट लेते हैं, ये बीच वाली एक एडवर्टाइजमेंट है कि किस तरह से वो देखिए इफेक्टिव बना रहा है और उसको पर्यावरण के साथ जोड़ रहा है। इसी तरह वृत्ति, नाइकी जस्ट डू इट वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, ये आप ये वाली एडवर्टाइजमेंट देखें कि किस तरह से वो बना रहे हैं और इसको आप नाट्यशास्त्र की शैली के आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बहुत विस्तार वाले विषय हैं, ये कोई एक बार में केवल मैं नाम गिना रहा हूं, केवल उतने में समाप्त नहीं होते क्योंकि इनके आगे फर्दर जो है सब टॉपिक्स हैं जिसके आधार पर इस सारे के विषय को आप मूल्यांकित करेंगे। फिर इसकी प्रकृति आपको देखनी पड़ेगी, ध्वनि आपको देखना पड़ेगा। ये डायमंड इज फॉर एवर, ये जो आप देख रहे हैं डी बियर्स का जो एडवर्टाइजमेंट है कि किस तरह से वो इसको प्रस्तुतीकरण देते हैं। तो नाट्य में यही तो होता है कि आपने कैसे एक वस्तु को प्रस्तुत करना है जिससे वो प्रभावी हो, इसीलिए उसको प्रयोग धर्मा कहा गया है। फिर उसमें कंट्रास्ट दिखाने का है कि जैसे मैकडॉनल्ड्स में आप देख पाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कि किस तरह से आई एम लविंग इट वाली, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, आप ये देखें कि नाट्यशास्त्र कहता है कि कंट्रास्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर उसमें सजीवता लाना बहुत जरूरी है, जैसे रेडबुल की एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वो ऊपर से छलांग लगाता है। फिर उसके बाद आप स्थिरता, जैसे लेट्स गो प्लेसेस, ये आप टोयोटा वाली जो सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट है वो आपको एक संदेश देती है कि हमें दुनिया भर का भ्रमण करना चाहिए, कहा नहीं है लेकिन लेट्स गो प्लेसेस। और इसी तरह रिदम को ध्यान में जब देते हैं तो सबसे नीचे की एडवर्टाइजमेंट को आप देखें, हैव अ ब्रेक, किटकैट की जो होती है और आप सभी को वो याद रहती है। तो इस तरह से 10 ये तत्व हैं जिनके आधार पर हम संस्कृतज्ञों को, संस्कृत के छात्रों को एडवर्टाइजमेंट्स बनानी सीखनी चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, उनके रिव्यू लिख करके आप अखबारों को भेज सकते हैं, कंपनी को भेज सकते हैं और कंपनी निश्चित रूप से आपको रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन अगर वो एक क्रिएटिव और सेंसिबल आप उसका मूल्यांकन करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे एक मैगी की एडवर्टाइजमेंट बहुत साल कुछ साल पहले आई थी जिसमें माँ बेटी हैं और बिल्कुल येलो कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट भी येलो कलर का है। तो उसके ऊपर हम नाट्यशास्त्र को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देनी है नाट्यशास्त्र पे तो मैं उसे कहूंगा कि भाई मैगी की एडवर्टाइजमेंट लो और उसका मूल्यांकन करके तुम मेरे को सबमिट करो, मैं उसके आधार पर आपको जो है मार्क्स दूंगा।
तो ये आप एडवर्टाइजमेंट मैगी की देख रहे हैं, पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें आप क्या मूल्यांकित करेंगे, रस देखेंगे और उसमें देखिए कि विज्ञापन सुविधा और संतुष्टि की भावना को उजागर करता है कि जब आप भोजन करते हैं कि दो मिनट में आपको भोजन मिलेगा, आपको भूख लगी हुई है बच्चे को, तो आप उसमें रस जो है और बच्चा किस तरह से खाता है, एक सुड़प्पा सा लेते हुए जो है वो आनंद लेता है, तो उसमें रस आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो मूड बनता है, भाव बनता है, वो क्या है, तेज तरार संगीत और संपादन है, बड़ी तेजी के साथ वो सारी एक्टिविटी होती है, प्रक्रिया होती है। अभिनय उसमें आप देखते हैं कि मदर कैसे मुस्कुरा रही है और बच्चा अपने संतोष के भावों को दिखाता है। फिर उसकी शैली को आप देखिए कि जीवन की शैली के साथ वो मेल खाता है, क्योंकि हर किसी के पास अब समय नहीं है, आपके पास केवल दो मिनट में आपकी भूख मिटनी चाहिए और ताकि आप काम पे चल सकें। फिर प्रकृति आप देखिए कि आधुनिक रसोई की सेटिंग्स आपको इस तरह से दिखानी है। ध्वनि, ये मैं अब ज्यादा समय नहीं ले सकता, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसमें सुझाव क्या है, कंट्रास्ट क्या है, अवधि अविध जो है, सजीवता, स्थाई, छंद, ये सारे जो विषय हैं इनको मैंने इनके ऊपर लागू किया, इनका मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके चाहे मैं आपको सबमिट करूं, चाहे किसी कंपनी को भेजूं, या इनके आधार पर मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूं, एक रिसर्च पेपर भी लिख सकता हूं। चलिए एक कैडबरी की भी चॉकलेट देख सकते हैं, आप सभी कैडबरी खाते होंगे, चॉकलेट खाते होंगे, और इस एडवर्टाइजमेंट को आपने देखा होगा कि चलो कुछ मीठा हो जाए, कुछ भी शुभ करने से पहले मीठा हो जाए, ये सारी टीवी के एडवर्टाइजमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे वो प्ले करके दिखाता, अगर ऑफलाइन हम लोग करते तो प्ले करते और फिर उसके बाद एक एक जो शॉट है उसके ऊपर हम इस तरीके से मूल्यांकित करते। अब ये जो कैडबरी की चॉकलेट है उसका टाइटल जो है वो टैगलाइन क्या है, कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, हम भारतीयों की सांस्कृतिक मूल्य है कि भाई जब कोई काम करना है तो उससे पहले मीठा खाना है। तो इसमें आप ये देखिए कि इसका मैंने मूल्यांकन कैसे किया है, नेता, रस, वस्तु, अभिनय, अब ये मैं सारे को नहीं गिना रहा, लेकिन यहाँ मैंने एडअप क्या कर दिया, नाट्यशास्त्र का अध्याय 22, नाट्यशास्त्र का अध्याय 24, इनके सारी कारिकाओं को एडअप कर दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका संस्कृत से कुछ संबंध नहीं है, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, सारा का सारा नाट्यशास्त्र पर आधारित। और ध्वनि को मैंने कहाँ से ले लिया, नाट्यशास्त्र के 27वें भाग से, और फिर उसके बाद मैंने आगे और क्या एडअप कर दिया कि इस एडवर्टाइजमेंट की सशक्तताएं क्या है, इसकी शक्ति क्या है और अशक्तताएं क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है, मोटी भाषा में अगर आप कहें तो, वो भी मैंने गिना दिया है कि विज्ञापन में उत्पाद के लाभों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया कि चॉकलेट खा के फिर होगा क्या, ठीक है ना। और दूसरा, विज्ञापन में युवा जोड़े के अभिनय में अधिक भावना नहीं है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो बात कर रहे हैं। और फिर केवल इतना ही नहीं, मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि मैं इसको रेटिंग दूंगा, मैंने 10 में से रेटिंग दे दी, हालांकि 16 में से मुझे देनी चाहिए थी कि 8.5 तक मैं इसको रेटिंग दूंगा। तो बताइए मुझे, ये सारे के सारे मूल्यांकन क्या आपको नहीं करना चाहिए? अगर ये नहीं करते तो शास्त्र के साथ आप न्याय नहीं कर रहे। केवल अगर आप अपने कोर्सेज में केवल की श्लोक दे दिया, उसका अनुवाद करके ले आओ और उसके ऊपर लिखाओ कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा गया है, तो उससे कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं है, वो भी आना चाहिए, लेकिन ये जानना और सीखना बहुत जरूरी है। और नीचे मैंने इसमें क्या किया है, संदर्भ दे दिए हैं, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का हमने आधार लिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसी तरह विभत्स भाव का आप एक ले सकते हैं उदाहरण, मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि 11 बज चुके हुए हैं। तो विभत्स भाव का, क्योंकि आपने वो देखी होगी लाइफ बॉय की एडवर्टाइजमेंट, तो सबसे पहले जो आप ये देख ही पा रहे हैं विभत्सता का उदाहरण है, और फिर उसके बीच में किस तरह से ये बाकी लोगों को इंक्लूड किया जाता है, और फिर किस तरह से प्रसन्नता जो की ओर ले जाया जाता है। तो नेता जो है इसमें आप देखेंगे रस देखेंगे, वस्तु देखेंगे, अभिनय देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो शक्तताएं और अशक्तताएं उनको देखेंगे, फिर इसकी रेटिंग करेंगे, इस तरह से आप इसका मूल्यांकन करेंगे। तो विभत्स भाव के आधार पर मैंने एक मूल्यांकन कर दिया। इसी तरह थम्स अप का नाट्यशास्त्री मूल्यांकन आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी इसी तरह से पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि अरे वो ये एक्टर जो है इस तरह से पीता है और हमें सबको थम्स अप पीनी चाहिए। तो नेता के आधार पर आप जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो क्या है, विज्ञापन में एक आकर्षक नायक युवा पुरुष है जो लक्ष्य दर्शकों से जोड़ता है। नायक का उद्देश्य साहस और अद्वितीयता की भावना है जो दर्शकों को बांधती है। इसी तरह रस जो है इसमें क्या है, वीर साहस और अद्भुत रस है ना।
इसी तरह वस्तु क्या है, इसमें थम्स अप जो है एक आकर्षक वस्तु प्राकृतिक स्थल को प्रदर्शित करता है जो दर्शकों को आकर्षित करता है, और फिर उसमें बाइक या खेल की सामग्री के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है, और अभिनय आप देख ही पा रहे हैं उसका भी आपको मूल्यांकन करना है, वृत्तियां जो है उनके आधार पे ध्वनि और सक्षमताएं और अक्षमताएं इनका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा हम रन थ्रू कर लेते हैं, केवल मैं दिखाना चाहता हूं कि इस तरह से हम सबको असाइनमेंट्स देनी चाहिए और नए नए प्रयोग करने चाहिए। बहुत आज की एडवर्टाइजमेंट आती है, ये देख सकते हैं आप, है ना, देखा ही होगा आप सबने, और इसमें भी आप इसी तरह से इनका मूल्यांकन कर सकते हैं, रस भाव अभिनय और संस्कृत के संदर्भ भी मैंने इसमें दे दिए हुए हैं, जैसे भाव स्थाई भाव विशेष, ठीक है, और रसानाम श्रृंगार प्रथम, ये यहाँ पे मैंने और एडिशन धीरे धीरे कर दी है, और फिर इसी तरह से मैंने निष्कर्ष के रूप में कहा वाह आज टीवी विज्ञापन संस्कृत नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का सफलता पूर्वक उपयोग करता है जो दर्शकों को प्रेम की भावना से जोड़ता है। ये वाह आज का एक पक्ष है, अब ये दूसरा इसका पक्ष है, दूसरा भी मूल्यांकन एक और किया है। आप देखिए कितने हमारे पास स्कोप खुला पड़ा है संस्कृत के लिए, लेकिन हम लोग अगर उस तरह से प्रयोग ही नहीं करना सीखते, जानना चाहते, तो फिर तो कुछ नहीं, फिर क्या कहना है। अब वाह ताज वाला ये जो विज्ञापन है इसका भी मैंने इसी तरह से मूल्यांकन किया है, और ये नीचे जो है आप देखिए संस्कृत संदर्भ नाट्य शास्त्र के छह से आठवें तक का प्रयोग किया है अध्यायों का, और प्लस उसमें 28वें अध्याय को भी एडअप किया हुआ है, उसके आधार पे किया है, और निष्कर्ष के रूप में ये मैंने इसको दे रखा है। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, केवल आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम करने का ये तरीका है, असाइनमेंट्स कैसे करनी है, क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल है फोर्थ सेमेस्टर में जाकर के हम सभी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेनिंग लेनी है, और नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपने ट्रेनिंग कहाँ लेनी है, क्या लेनी है, कैसी लेनी है। तो इस तरह की बहुत सारे आपके पास पक्ष हैं आपके सामने। अब ये एक जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके लिए जो एक डव की एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें शोक के भाव से लेकर के उसमें कैसे एक सेल्फ एस्टीम का आत्मशंसिता का भाव उत्पन्न होता है, ये शोक के भाव को लेकर के है। यानी कि क्या है, मैंने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र के आधार पर शोक भाव के लेंस के माध्यम से एक लोकप्रिय भारतीय टीवी का मूल्यांकन करिए। मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि भाई असेसमेंट करके लाओ, कौन सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डव ब्यूटी बार, ठीक है, ये विज्ञापन है रियल ब्यूटी का विज्ञापन के लिए। तो मूल्यांकन कैसे करना है आपने, कि इसके सामने आपने अपने सामने एक उसकी एडवर्टाइजमेंट की तस्वीर रख ली या उसको देखा, उसके बाद उसमें रस भावना देखी, क्या है रस भावना उसमें, विज्ञापन महिलाओं के आत्मसंदेह और उनकी उपस्थिति के प्रति असंतोष को प्रदर्शित करने से शुरू होता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो संस्कृत नाट्य शास्त्र आपको सिखाता है, और फिर उसमें शोक का भाव उजागर करता है, उदासी जो कि सामाजिक दबाव के कारण आती है उसमें, और फिर इसी तरह से आप उसके अनुभव व्यभिचारी भाव स्थायी भाव और फिर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, सशक्तता और अशक्तता को देखेंगे और कुल मिलाकर के फिर उसका मूल्यांकन आप कर देंगे। इसी तरह ये इवेल्युएशन थम्स अप टीवी एड की है, इसको भी आप मूल्यांकित कर सकते हैं। मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय जो है वो ज्यादा हो गया। अब जाते जाते बस अंतिम एक दो स्लाइड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो क्या है कि आप ये देखिए कि केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप जितने भी फिल्में हैं, जितने भी आपकी सिनेमा है, उसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, करना चाहिए संस्कृत नाट्य शास्त्र के आधार पे। जैसे कि इसमें श्रृंगार के लिए बंटी बबली और कजरारे जैसे हैं, हास्य के लिए द हैंगओवर और कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। करुणा के लिए तारे जमीन पे और आशिकी 2 आप लोगों ने जो देखे होंगे। रौद्र के लिए दबंग जैसी फिल्में हैं, वीर के लिए बंदे मातरम, भयानक रस के लिए राज जैसी या जी हॉरर शो जो आप लोग देखते होंगे, और विभत्स को अगर आपने रस को देखना होगा तो गैंग्स ऑफ वासेपुर आदि आदि, ये सारी फिल्मों का भी। और उसमें से एक जो फिल्म है सिनेमा का एक है 3 इडियट्स जिसे आपने देखा होगा, उसका मैंने आपको मूल्यांकन करके दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूँ इसलिए इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। तो इसमें जो है वो कथा क्या है, वस्तु जिसे आप कह रहे हैं, पात्र क्या है, दृश्य क्या है, रस क्या है, और ये संदेश क्या देता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र के आधार पे आप नाटक के माध्यम से संदेश क्या देते हैं, भरत वाक्य को यहाँ पे लाना चाहिए, कि वो बहुत मूल्यांकित करना जरूरी है। और फिर उसके बाद निष्कर्ष भी दिया हुआ है और संदर्भ भी दिया हुआ है।
तो कुल मिलाकर के मैंने आपके सामने एक क्या प्रस्तुत कर दिया है, थ्री इडियट्स का पूरा मूल्यांकन नाट्यशास्त्र के आधार पे विस्तार पूर्वक भी हम इसको कर सकते हैं। और अंतिम बातें जो हैं कि संस्कृत शास्त्र जो है वो विज्ञापन के विकास में कई तरीकों से मदद कर सकता है। अलंकार शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, नाट्य शास्त्र को पढ़ाना चाहिए, न्याय शास्त्र पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आपने चलाना है, अपनी प्रतिभा को विकसित करना है, तो न्याय शास्त्र आपको जरूर आना चाहिए। और जब अंतिम बात कह के समाप्त कर रहा हूँ कि संस्कृत के छात्रों के लिए विज्ञापन के बाजार में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये आप देखिए, इतने सारे तो मैंने ही निकाल दिए, और आप लोग तो नए हैं, ज्यादा जानते होंगे मेरे से कि विज्ञापन और मार्केटिंग में क्रिएटिव राइटर के तौर पे आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन अगर टीचर ही इनिशिएटिव नहीं लेता, अगर टीचर केवल अपनी नौकरी में ही संतुष्ट है कि भी ठीक है मैंने चार पीरियड पढ़ा लिए, तो फिर तो क्या किया जा सकता है। और इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपका संस्कृत विभाग अगर अपनी प्रोडक्शन शुरू करे छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की फिल्मों को, सिनेमा को आप नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, हर शास्त्र के आधार पर मूल्यांकित कर सकते हैं। वो कितनी ही आधुनिक फिल्म क्यों ना हो, कितनी ही वो पुरानी मूवी क्यों ना हो, आप ये कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था, और मैं नहीं जानता कितना सफल है, कितना आप इसको अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं हमेशा इस बात के ऊपर मेरा बल रहता है कि शास्त्र का मतलब क्या है, अनुप्रयुक्तता, उसको अप्लाई करना। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते, उसको रेलेवेंट नहीं बनाते, आप समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो आप शास्त्र के साथ न्याय नहीं कर रहे। हम संस्कृतज्ञों की दोहरी जिम्मेदारी है कि हम शास्त्र को भी जानें और उसकी एप्लीकेशन को भी जानें, उसके आधार पर हम दूसरे विषयों को चुनौती भी दें और अल्टरनेटिव भी प्रदान करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि जो आज का सेमिनार है संस्कृत नाट्य शास्त्र का, उसका इससे ज्यादा रेलिवेंसी जो गोष्ठी है या रेलिवेंसी जो लेक्चर है या जो बातें हैं, वो और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत और सबसे नवीन मीडिया टेक्नोलॉजी सीने टाइम, और उससे आपने जोड़कर जो हमें नॉलेज दी है, और एक एक चीज को, चाहे वो